क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वरुण सिंह है सर। कोलकाता में क्या कंपनी खोल के रखे थे तुम? कोलकाता में हम लोग टावर लगाने के नाम पे फर्जी कंपनी खोल। क्या काम था उसका मेन? उसका काम था हम लोग फर्जी टावर लगाने के काम पे कस्टमर को हम लोग पैसा। कितने लोग काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे 25-26 आदमी काम करते थे। कुंडा के देवदत्त चंद्राकर से क्या नाम से ठगी किए थे? वो हमने महेंद्र सिंह के नाम से ठगी किए थे। क्या बोल के पैसा लिए थे उससे? हम लोग टावर बैठाने के नाम पे ठगी करके पैसा लिए थे उनसे। ठीक है, तो इसमें तुम लोग सब के सब सम्मिलित थे? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वरुण सिंह है सर। मैं वरुण सिंह, वरुण सिंह और सलोनी पिया, ये दोनों ही सरगना है और इनका ही यही मास्टरमाइंड है। इनकी पूरी प्लानिंग थी कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। ये इंटरव्यू के बहाने कुछ लोगों को बुलवाते थे और वहाँ पर अपने साथ में लगातार कार्य के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया हुआ था। कॉल सेंटर के माध्यम से ये अलग अलग लोगों को फ़ोन किया करते थे और इनके ही छोटा मोबाइल दिया गया था ताकि ये फर्दर किसी से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना कर सके। और इस आधार पर सभी लोगों को जो इनके साथ में काम करते थे और एक कॉल सेंटर के रूप से इस पूरे कार्यों का संचालन किया करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। थाना कुंडा की ये घटना है जिसमें प्रार्थी देवदत्त चंद्राकर ने आकर यह रिपोर्ट कराई थी कि एयरटेल का टावर लगाने के नाम पर उसके साथ में धोखाधड़ी हुई। और इस सूचना पर प्रार्थी ने यह बताया था कि एयरटेल का टावर लगाने के लिए उसके पास फ़ोन कॉल आया था और उसके बाद लगातार उससे वो कन्वर्सेशन करते रहे और उनसे ज़मीन का लेआउट भी मांगा था कि किस जगह पे वो टावर लगाया जाना है। इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस के को लेकर उन्होंने कहा था कि कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस आपको बैंक अकाउंट में डालनी होगी। और यहाँ से शुरू हुई थी वो धोखाधड़ी जिसके आधार पर थाना कुंडा में अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया। थाना कुंडा में लगभग 21,18,000 की इस धोखाधड़ी में 420 बी और 37-34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 66 डी IT एक्ट भी शामिल किया गया था। इस पूरे प्रकरण में विवेचना के दौरान जो तथ्य आए थे, जो बैंक डिटेल्स मिले थे, जो फ़ोन डिटेल्स मिले थे, इसके आधार पर आरोपियों तक पहुंच पाना संभव हुआ था और इसमें 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के उपरांत इनको ये सभी आरोपी बिहार और कोलकाता क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार करके इनका पुलिस रिमांड लेकर इनका जानकारी तैयार की गई थी और इसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में जो पूरी विवेचना थी इसके दौरान ये तथ्य सामने आया था कि इस प्रकार की धोखाधड़ी लगातार पूरे देश में ये करते हैं और अलग अलग जगह पर भी इससे संबंधित अपराध कायम है। क्योंकि इस प्रकार का एक मामला रायगढ़ जिले में भी सामने आया था, तो रायगढ़ जिले के प्रकरण में इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी जहां पर से माननीय न्यायालय से परमिशन के उपरांत इन आरोपियों की गिरफ्तारी कुंडा पुलिस के द्वारा की गई है। इस प्रकरण में जो 9 बैंक खाते ऐसे हैं जो प्रकरण में शामिल हैं, इन्हें सीज कराया गया है। इसके अतिरिक्त 4 ऐसे ATM कार्ड्स हैं जिन्हें जब्त किया गया है और अमाउंट पूल करवाया गया है। प्रकरण में थाना कुंडा पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। पब्लिक से भी यह अपील है कि इस प्रकार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर ध्यान ना दें। इस प्रकार की कोई लुभावने अवसर कोई बताता है तो उस पर ध्यान ना दें। NPG का डिजिटल चैनल, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।